क्या आप इंग्लिश के किसी भी बुक को पढ़कर अच्छे से समझना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश के ग्रामर्स और वोकैबुलरीज पे कमांड हासिल करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर यस है, देन स्टे विथ मी इन दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में मैं आपको बुक पढ़कर उसे अच्छे से समझाने जा रहा हूं कि ग्रामर कैसे यूज हुआ है और कौन कौन से वोकैबुलरीज उसमें है। ये वीडियो How to understand an English book for beginners की सीरीज है। Hi guys, this is Muhyiddin Shaikh and I would like to welcome you to International Speakers Academy. Before I start today's session, I would like to request you, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए। So guys, let's get started. The lesson which we are going to read today is The Hare and the Tortoise. ये इस स्टोरी की हेडिंग है, The Hare, Hare मतलब खरगोश। खरगोश की दो किस्में होती हैं। जिसकी कान गोल होती है उस खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं और जिस खरगोश के कान लंबे होते हैं उसे हेयर कहते हैं। So the Hare and the Tortoise. हेयर खरगोश और कछुआ, ये हेरिंग है, राइट। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट। जो इबारत होती है, इबारत जो लिखा हुआ होता है उसे इंग्लिश में हम टेक्स्ट कहते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द टेक्स्ट। अ टॉर्टो आइज मूव्ड स्लोली। जैसे मैं प्रीवियस की वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को जानना है कि उस सेंटेंस में जिस सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, कौन है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब समझना है और फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में डिटेक्ट कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं तो आपके लिए मीनिंग ऑब्वियस हो जाएगा, मीनिंग वाजे हो जाएगी और आपको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सेंटेंस है, और टॉर्टोइज मूव्ड स्लोली। और टॉर्टोइज, एक कछुआ, मूव्ड, इट हैज टू मीनिंग, घिसकना और धीरे धीरे चलना। सो एक कछुआ, ये ईडी लगा हुआ है, इस मीन्स दिस इज द पास्ट टेंस, दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का रूल्स आप सीख चुके हैं। अगर आपने अब तक टेंसेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सिंपल मेथड टू लर्न टेंसेस के अंडर में सारे टेंस के वीडियो मिल जाएंगे, आप अच्छे से देख के उन्हें समझिए। सो आर टॉर्टोइज मूव स्लोली, ये सिंपल पास्ट टेंस है। आर टॉर्टोइज इज द सब्जेक्ट, मूव्ड वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और स्लोली ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी वर्ब के क्वालिटी को बताए, यानी किसी वर्ब के क्वालिटी को या फिर किसी एडजेक्टिव के क्वालिटी को बताए जो वर्ड, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। सो अ टॉर्टोइज मूव्ड, एक कछुआ धीरे धीरे चलता था, धीरे स्लोली, धीरे धीरे चलता था। सो एक कछुआ चलता था, चलने की सिफत क्वालिटी स्लोली बता रहा है, इसलिए स्लोली एडवर्ब है, एक कछुआ धीरे धीरे चलता था। अ हेयर ऑफन लाफ्ड एट द स्लो टॉर्टोइज। अ हेयर, ये खरगोश, ऑफन अक्सर, ये टाइम एडवर्ब है, राइट। सो अ हेयर ऑफन, यहां पे हमें पता चल गया अ हेयर सब्जेक्ट है, लाफ 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 मतलब हंसना, एट द स्लो टॉर्टोइज, और जिसपे आप हंसेंगे उससे पहले इंग्लिश में एट लगाना होता है, राइट। लाफ के दो माने होते हैं, हंसना, खुद हंसना या किसी पर हंसना। सिर्फ लाफ यूज करेंगे उसका मतलब हंसना होगा, लाफ एट समवन मतलब किसी पर हंसना। यहाँ पे लाफ के बाद में एट है, यानी किसी पर हंसता था। आगे जो आ रहा है, अ हेयर ऑफन, इस ऑफन को ऑफ्टन और ऑफन दोनों बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे ऑफन कहते हैं और अमेरिकन लोग इसे ऑफ्टन कहते हैं, तो आप ऑफन ऑफ्टन दोनों पढ़ सकते हैं, बट इन इंडिया ऑफन का ज्यादा रिवाज है। सो अ हेयर ऑफन लाफ्ड एट द स्लो टॉर्टोइज, इसमें सब्जेक्ट और हेयर है, वर्ब लाफ है। कैसे पता चला? क्योंकि ईडी लग गया, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। एट द स्लो टॉर्टोइज, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। सो एक खरगोश अक्सर हंसता था
धीरे चलने वाले कछुए पर। One day the tortoise challenged the hare to run a race with him. One day, एक दिन, the tortoise challenged, कछुए ने चैलेंज किया the hare, खरगोश को, to run, दौड़ने के लिए, a race, एक रेस with him, उसके साथ। Subject, the tortoise है, the challenged, verb है, the hare object है। So, एक दिन कछुए ने चैलेंज किया खरगोश को to run, दौड़ने के लिए। सेंटेंस में जब भी किसी फेल के साथ में के लिए आए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, दौड़ने के लिए, बेचने के लिए, तो उस वर्ब से आपको उस वर्ब से पहले टू लगाना है। टू रन दौड़ने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू सेल बेचने के लिए, टू बाइक खरीदने के लिए। तो यहाँ टू रन दौड़ने के लिए, अ रेस एक दौड़, रेस मतलब दौड़, विथ हिम उसके साथ। एक दिन खरगोश ने चैलेंज किया खरगोश को उसके साथ रेस दौड़ने के लिए। द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू ही, रेस इज द सब्जेक्ट, स्टार्ट उसका वर्ब है, ईडी मींस दिस इज द पास्ट टेंस, रेस शुरू हुई। द हेयर रैन फास्ट, खरगोश दौड़ा तेज, यहां पे फास्ट भी एडवर्ब है क्योंकि जो रन रैन रन ये वर्ब है और ये फास्ट वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, वर्ब की सिफत को बता रहा है। सो द हेयर रैन, खरगोश दौड़ा फास्ट तेज। सून ही वेंट अहेड ऑफ द टॉर्टोइज, सून जल्द ही, ही वेंट वो चला गया अहेड ऑफ टॉर्टोइज, खरगोश के आगे, अहेड मतलब आगे, ऑफ द टॉर्टोइज खरगोश कछुए के, जल्द ही वो यानि खरगोश आगे चला गया कछुए के। एज द हेयर केम नियर द विनिंग पोस्ट, एज जैसे ही द हेयर केम, खरगोश आया, खरगोश सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म केम, खरगोश आया नियर द विनिंग पोस्ट, नियर मीन्स नजदीक, विनिंग पोस्ट के नजदीक, ऐसा निशान जहां पे पहुंचने से खेल का फैसला हो, उस निशान को इंग्लिश में विनिंग पोस्ट कहते हैं। जैसे ही खरगोश विनिंग पोस्ट के नजदीक आया, करीब आया, ही थॉट, उसने सोचा, यानी खरगोश ने सोचा, आई शुड नॉट फिनिश द रेस राइट नाउ, आई शुड, शुड का मतलब होता है करना चाहिए, आई शुड ईट मुझे खाना चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। सो खरगोश ने क्या सोचा, आई शुड नॉट फिनिश, मुझे खत्म नहीं करना चाहिए द रेस, रेस को, राइट नाउ अभी तुरंत, नाउ मतलब अभी एंड राइट नाउ अभी तुरंत। सो आई शुड नॉट फिनिश द रेस राइट नाउ, मुझे अभी रेस तुरंत खत्म नहीं करना चाहिए। एज द हेयर केम नियर द विनिंग पोस्ट, He thought, I should not finish the race right now. जैसे ही खरगोश विनिंग पोस्ट के नजदीक आया, he thought, उसने सोचा, मुझे अभी रेस खत्म नहीं करना चाहिए। I will sit here under a tree and wait for the tortoise. I will sit, will लग गया, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। I will sit, मैं बैठूंगा here, यहाँ under a tree, किसी दरख्त के नीचे, and wait for the tortoise, और मैं कछुए का इंतजार करूंगा। When he comes here, जब वो यहां आएगा, यानी कछुआ जब यहां आएगा, I will run fast and cross the winning post before him. तब मैं तेज दौड़ूंगा और विनिंग पोस्ट को क्रॉस कर जाऊंगा। ये when मतलब जब, इंग्लिश में एक रूल है, जब भी कोई कंडीशनल वर्ड या फ्रेज हो, कभी शर्त का कोई लफ्ज हो, शब्द हो, या कोई जुमला या वाक हो, उसके साथ में इंग्लिश के अंदर में विल नहीं लगता है, याद रखिए, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के टेंस को वहां पे इस्तेमाल करेंगे, और जो उसकी जो जजा होगी, जो उसका प्रीडिकेट होगा, उसमें आप विल यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हेन ही कम्स हियर, यस कंडीशनल है, व्हेन जब, सो व्हेन ही कम्स हियर, जब वो यहां आएगा, I will run fast, मैं तेज दौड़ूंगा, एंड क्रॉस द विनिंग पोस्ट बिफोर हिम, और उससे पहले मैं विनिंग पोस्ट को क्रॉस कर जाऊंगा। He will get angry and I will have a lot of fun. He will get angry. Get angry मतलब गुस्सा होना। Who? He will get angry. वो गुस्सा होगा, यानी कछुआ गुस्सा हो जाएगा, and I will have a lot of fun, और मैं बहुत मजा करूंगा। Have a lot of fun, बहुत मजा करना, right? So मैं बहुत मजा करूंगा। So the hare sat under a tree. चुनांचे, the hare sat, खरगोश बैठ गया अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, अब अंडर अ ट्री एक
दरख्त के नीचे या एक पेड़ के नीचे. The tortoise was still far behind. कछुआ अभी भी बहुत पीछे था. Far has two meaning. Far मतलब दूर, और जब किसी एडजेक्टिव के साथ आप यूज कर दें तो उसका माना बहुत के हो जाएंगे. The tortoise was still far behind. Still मतलब अभी भी. कछुआ था अभी भी बहुत दूर. कछुआ अभी भी बहुत दूर था. After some time, कुछ देर बाद, the hare started feeling sleepy. Feel sleepy, नींद आना. The hare started feeling sleepy. खरगोश को नींद आने लगी. And he went to sleep. और वो सो गया. When he woke up, जब वो जागा. Woke मतलब जागना. When he woke up, जब वो जागा, he saw the tortoise crossing the winning post. He saw, उसने देखा the tortoise, खरगोश को crossing, पार करते हुए the winning post को. जब वो जागा तो उसने, यानी खरगोश ने कछुए को विनिंग पोस्ट को पार करते हुए देखा. अब याद रखना आपको, अगर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, और फिर उसके बाद में किसी वर्ब के आखिर में आईएनजी आए तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. वहां पर उसका माना हो जाएगा करते हुए, जाते हुए, सोते हुए. जैसे आई सॉ यू स्लीपिंग, मैंने तुम्हें सोते हुए देखा. आई सॉ यू डांसिंग, मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा. इस तरह से यहाँ है, ही सॉ द टॉर्टोइज, उसने कछुए को देखा क्रॉसिंग पार करते हुए द विनिंग पोस्ट को. द हेयर लॉस्ट द रेस. लूज लॉस्ट, लॉस मतलब हार जाना. द हेयर लॉस्ट द रेस, खरगोश रेस हार गया. मोरल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. मोरल इस कहानी की सीख ये है कि स्लो एंड स्टडी, स्लो मतलब धीमा या धीरे, स्टडी इस्तकामत. सो धीमा और इस्तकामत रेस जीत जाता है. यानी आप कोई भी काम स्लो कीजिए लेकिन इस्तकामत के साथ कीजिए, जीत आपकी होगी. सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्टोरी. आई रेड इट फॉर यू एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट इन अ सिंपल मेथड. इस तरह से आप हमारे सारे वीडियोस को देखिए. इससे पहले भी हाउ टू अंडरस्टैंड एन इंग्लिश बुक के एपिसोड की कई वीडियोस बन चुकी हैं. आप हर स्टोरी को आप देखिए, पहले ग्रामर सीख लीजिए, ग्रामर्स की वीडियो को देखिए, क्योंकि हम लोग हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं. हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, जितने भी इंग्लिश के अंदर में डिपार्टमेंट से सबके ऊपर में वीडियो हमारा होता है. आप उन वीडियोज को देखिए और इस तरह से आप सारे वीडियो को हर रोज देखिए. आई प्रॉमिस यू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ बुक. ये बिगनर्स के लिए है. अब बहुत ही जल्द मैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए भी हाउ टू रीड अंडरस्टैंड बुक्स के एपिसोड्स को शुरू करने वाला हूँ. सो नाउ गाइज, आई वॉन्ट यू टू डू टू थिंग्स. मैं चाहता हूँ कि अब आप दो चीज करें. पहला ये कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने इस लेसन से, इस सेशन से क्या सीखा और आप और क्या सीखना चाहते हैं. नंबर टू, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यू वांट टू बिकम एन इम्पेकेबल स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देन आई इनवाइट यू टू कम एंड ज्वाइन आवर इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन. एक बहुत ही रिजनेबल फीस के साथ, 100% गारंटी रिजल्ट के साथ. थैंक यू वेरी मच For watching this video, I catch you in next video. WhatsApp का नंबर नीचे दिया गया, आप उस WhatsApp नंबर पे हमें मैसेज कीजिए English Speaking Mastery कोर्स को ज्वाइन करने के लिए. Thank you.